पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर की वोटिंग के लिए प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने ताकत झोंक दी। अमित शाह ने भी एक के बाद एक रोड शो कर जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। पूर्व मेदिनीपुर में भी वो इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। वहां हमारे सहयोगी अमित पांडे ने अमित शाह से बात की। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने का है, बीजेपी की क्या है रणनीति? 50 किलोमीटर के भीतर तीन रोड शो, गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ। सर, इस कदर रोड शो कर रहे हैं, कोशिश क्या है आपकी? स्वाभाविक रूप से 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ भाजपा सरकार बनी। जय श्री राम नारा, ये हमने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कितना असर इसका देखने को मिला सर, चुनाव प्रचार के दौरान? ढेर सारे मुद्दे हैं, घुसपैठ मुद्दा है, CA मुद्दा है, टोल मनी मुद्दा है, सिंडिकेट मुद्दा है, अम्फाम का भ्रष्टाचार मुद्दा है, और किसी भी क्षेत्र में यहाँ पर विकास नहीं हुआ, जनता परेशान। सर, एक सवाल ये है कि आपकी सरकार बनती है, पहली चीज बंगाल में क्या करेंगे? हमारा घोषणा पत्र स्पष्ट है, हम सोनार बांग्ला का एक स्पष्ट विजन बंगाल की जनता के सामने रखा। सर, एक अंतिम सवाल, क्या आपके लिए जो सबसे अहम चीज है पश्चिम बंगाल में, अब कितने और रोड शो करने का प्लान है? मुझे मालूम नहीं, वो पार्टी तय करती है। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह, इनका ये कहना है कि सोनार बंगला का संकल्प है और इसी के तहत आगे बढ़ेगी बीजेपी। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज 18 इंडिया। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। आज प्रधानमंत्री मोदी मिशन दक्षिण पर हैं, जहां उन्होंने पहले केरल के एक मेट्रोमैन ई श्रीधरन के लिए प्रचार किया। इसके बाद वो तमिलनाडु के धारपुरम में चुनावी रैली की। वहीं अमित शाह ने आज बंगाल में मोर्चा संभाला, उन्होंने नंदीग्राम में रोड शो किया और शुभेंदु अधिकारी की जीत का दावा किया। अमित शाह के साथ ही पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती भी बंगाल में परिवर्तन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने आज खड़गपुर में रोड शो किया और शाम को मिथुन नंदीग्राम में भी रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज असम में हुंकार भरी। नलबाड़ी की एक चुनावी रैली में उन्होंने विकास के मुद्दे पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया। एक तरफ नंदीग्राम का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वहीं पार्टी के कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ते नजर आए। बड़ी खबर नंदीग्राम से, जहां बीजेपी की ताकत देख नंदीग्राम में TMC बौखला गई। आरोप है कि TMC कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद झड़प की खबरें आई। सुरक्षा बल ने पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, आपने अमित शाह से बात की, उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं और उनमें से एक मुद्दा जयश्री राम को लेकर देखिए किस तरीके की वहां पर तस्वीरें सामने आती हैं, झड़प की तस्वीरें सामने आती हैं, उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। फिलहाल क्या ये रोड शो अभी भी चल रहा है? जी बिल्कुल, रोड शो अभी भी चल रहा है और जो सबसे अहम चीज साफ की गृह मंत्री अमित शाह ने कि सिर्फ जय श्री राम ही मुद्दा नहीं है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था है, चुनावी हिंसा है, सिंडिकेट है, बेरोजगारी है, यह सब मुद्दा है जिसको संयुक्त रूप से ये बीजेपी इन मुद्दों के बीच में चुनाव लड़ रही है और जनता के बीच जा रही है। गृह मंत्री ने साफ तौर पर हमसे बातचीत में कहा है कि हम जा रहे हैं, बार बार जैसा कि अपने भाषणों में और चुनावी घोषणा पत्र में वो जिक्र करते 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे, तो यहाँ भी हमसे बातचीत के दौरान उन्होंने 200 प्लस सीट जीतने का वादा किया और ये भी कहा कि एक विस्तृत चुनावी योजना है, सिर्फ जय श्री राम कैंपेन नहीं है। तो फिलहाल अभी भी देखिए रोड शो चल रहा है, अब की बार किसका होगा बंगाल, ये बड़ा सवाल देखिए अमित बना हुआ है। लेकिन अमित, ऐसी भी जानकारी थी अमित शाह बकायदा वहां एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं, मिथुन चक्रवर्ती भी मैदान में होंगे, वो दोनों कार्यक्रम कब है? देखिए इसके ठीक बाद डायमंड हार्बर में गृह मंत्री की जनसभा है और वो उसमें दूसरे चरण का वहां पर चुनाव नहीं होना है, तो लिहाजा अभी चुनाव आयोग के जो नियम होते हैं यहां पर प्रचार खत्म करके फिर डायमंड हार्बर की जाएंगे, वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि वहां पर कुछ बड़े नेता आ सकते हैं। फिलहाल
पसकुड़ा यह इलाका है पश्चिम बंगाल का, पूर्वी मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट आता है ये, और टीएमसी का कभीगढ़ हुआ करता था। लेकिन आज गृह मंत्री के रोड शो ने, जो कि नंदीग्राम से शुरू हुआ, यहाँ पर दूसरे चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यह अंतिम पड़ाव है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। अब की बार किसका होगा बंगाल? कमल खिलेगा या होगी ममता की वापसी? क्या बंगाल की चाबी नंदीग्राम के पास है? इन सवालों के बीच बंगाल विजय के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नंदीग्राम में रोड शो खत्म होने के बाद अमित शाह पश्चिमी मेदिनीपुर वहां पहुंचे, वहां भी भारी भीड़ दिखी। अब अमित शाह पूर्व मेदिनीपुर के पांचकुड़ा पश्चिम में रोड शो कर रहे हैं, जहां गर्मी के बावजूद भारी संख्या में लोग हैं। वहां उनका इंतजार हो रहा था, बड़ी तादाद में लोग वहां पर थे। पूर्व मेदिनीपुर के बाद गृहमंत्री दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह ने साफ किया कि बंगाल परिवर्तन के मूड में है। अमित हमारे साथ मौजूद है, और अमित देखिए, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, आप बखूबी देख रहे होंगे नंदीग्राम, उसके बाद पश्चिम मेदिनीपुर और अब पूर्व मेदिनीपुर, तस्वीरों में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? देखिए, तस्वीरों में अंतर यही नजर आ रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे पहले, जो नहीं दिखाई देते थे, आज गृहमंत्री के इस माइक्रो लेवल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, सूक्ष्म रूप से जो परियोजना है चुनावी रणनीति की, उसके तहत गृहमंत्री जगह जगह पे चुनाव प्रचार अभियान कर रहे हैं। 50 से 60 किलोमीटर का पूरा यह रेडियस है, और इसमें 3 जगह रोड शो करना, और ऐसे दूर दराज इलाकों में रोड शो करना जहां पर कुछ सालों पहले बीजेपी के कार्यकर्ता तक ढूंढने को नहीं मिलते थे। आज बेशक ये थोड़ा सा खाली इलाका है, यहाँ पर लोग इस तरीके से पोस्टर लिए और बैनर लिए लोग यहाँ पर दिख जाते हैं, तो एक कार्यकर्ता तक पहुँचने की, संवाद साबित करने की गृहमंत्री की ये जो चुनावी परियोजना है, चुनावी योजना है, इस पर अमल करते हुए। और लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम इनसे जानते हैं। ये बताइए, पूर्वी मेदिनीपुर का ये इलाका, आप युवा हैं, गृहमंत्री ने अभी अभी यहाँ से रोड शो किया है, कुछ बात समझ में आई उनकी? बिल्कुल, क्या बताइए? पहले तो ये परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है ना? ये ममता बनर्जी का सरकार बहुत घोटाला कर दिया इधर, ठीक है? कुछ आप क्या डिमांड करते हैं? पूर्वी मेदिनीपुर के पसकुड़ा इलाके में यहाँ पर रहते, क्या सबसे अहम चीज आपको आशा है? ये तो कोई अहम चीज मतलब बेकार की, कुछ तो काम नहीं करता है ममता दी, ठीक है? नौकरी भी है नहीं इधर, ठीक है? कोई इधर नौकरी करने जाओ तो सरकारी नौकरी, पहले तो 15-20 लाख देना चाहिए। और ये बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, आप बताइए, क्या आपको उम्मीद है? गृह मंत्री ने यहाँ पर दौरा किया, क्या आपको उम्मीद है यहाँ पर? बहुत उम्मीद है, गृह मंत्री ने यहाँ पर दौरा किया है, और ये पहली बार है कि किसी स्वराष्ट्र मंत्री जी ने अभी हमारे पहली बार किसी गृह मंत्री ने यहाँ या शीर्ष नेता ने पसकुड़ा जैसे दूर दराज इलाके का दौरा किया है यहाँ के लोगों के लिए। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन यहाँ की आम जनता के लोगों के लिए भी यह बड़ी बात है। ठीक है अमित, रहिए जरा साथ। दूसरे चरण में नदी